हेलो गाइस, दिस इज़ मोहम्मद नासिर आलम। वेलकम टू माय चैनल एन ए क्लासरूम। जब भी हम लोग किसी से मिलते हैं तो पूछने लगते हैं हाउ आर यू, तो सामने से रिप्लाई आता है आई एम फाइन। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अगर उस व्यक्ति से हम लोग बार बार मिलें, क्या ये दो सेंटेंसेस को ही हम लोग यूज़ करेंगे? जी नहीं, आज हम लोग कुछ नए सेंटेंसेस को देखेंगे, कुछ मॉडर्न सेंटेंस को देखेंगे जो हाउ आर यू की जगह बहुत सारे सेंटेंसेस यूज़ होता है। इसी तरह से आई एम फाइन के जगह भी बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जिसको हम लोग यूज़ करेंगे। सबसे पहले फॉर्मल वेज देखेंगे, यानी ये सब सेंटेंसेस आप ऑफिस में अपने बड़ों के साथ बोला करेंगे। सबसे पहले हाउ आर यू, यानी इसका रिप्लाई आई एम फाइन के जगह हम लोग क्या क्या दे सकते हैं। फर्स्ट, आई एम गुड, आई एम प्रीटी गुड, आई एम ओके, आई एम ग्रेट, नॉट बैड, वेरी गुड, और आई कांट कंप्लेन, और आई कुड बी बेटर। ये जो लास्ट जो सेंटेंस है इसका मतलब होता है ज़्यादा अच्छा भी नहीं, ज़्यादा बुरा भी नहीं, यानी ठीक ठाक। तो हम लोग फर्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं हाउ आर यू की जगह क्या बोल सकते हैं। यहाँ पर हाउ आर का कॉन्ट्रैक्शन है हाउ आर थिंग्स। तो गाइज इसका आंसर हो जाएगा दे आर गुड, दे आर ग्रेट, दे आर फाइन, दे आर ओके। बट यहाँ आई एम ओके, आई एम फाइन, ए इनकरेक्ट हो जाएगा। हाँ, अगर आई नहीं लगाएंगे ओनली ग्रेट, फाइन, गुड, नॉट बैड, ये फिर करेक्ट है। सेकंड देख लेते हैं हाउ हैव यू बीन। जिस तरह से क्वेश्चन किया जाए आंसर भी उसी तरह से करना चाहिए, इसलिए आई हैव बीन गुड या ग्रेट सेकंड ऑप्शन भी है, नॉट बैड, फाइन, नॉट टू मच। थर्ड देख लेते हैं, यहाँ पर हाउ इज़ का कॉन्ट्रैक्शन है हाउज, हाउज इट गोइंग, इसका सेकेंड हाउज लाइफ। एक्चुअली इसमें पूछना ये चाह रहा है हाउ इज़ योर लाइफ गोइंग, यानी आपकी ज़िंदगी में हो क्या रहा है। तो आप इस तरह से इसका रिप्लाई करेंगे इट्स फाइन, इट्स गुड, इट्स राइट, इट्स ओके, इट्स नॉट बैड। सॉरी बट इसमें आई एम फाइन नहीं बोल रहेगा। फोर्थ, हाउ आर यू डूइंग, हाउ आर यू गोइंग, इसका मतलब वैसे सेम है, इसका आंसर भी ऐसे ही करेंगे आई एम डूइंग ग्रेट या आई एम डूइंग फाइन। इससे पहले हम लोग फॉर्मल वेज देखे थे, वो सब सेंटेंसेस जो आप लोग देखें उसको आप अपने ऑफिस में और अपने बड़ों के साथ यूज़ करेंगे। अब हम लोग कुछ इनफॉर्मल यानी ऐसे सेंटेंसेस जो आप अपने दोस्तों के साथ, अपने डूड के साथ यूज़ कर सकते हैं। ये दो सेंटेंसेस को देख लेते हैं, व्हाट्सअप, व्हाट्स गोइंग ऑन। एक्चुअली ये कह ये रहे हैं व्हाट आर यू डूइंग, आप कर क्या रहे हैं, व्हाट्स हैपनिंग, हो क्या रहा है। तो इसका आंसर आप जो कर रहे हैं एट द टाइम उसका आंसर ऐसा ही कर सकते हैं, जैसा मैं अगर खा रहा हूँ आई एम ईटिंग लंच, या कुछ भी कर रहे हैं आई एम स्टडिंग, या फिर आप कुछ ऐसा नहीं कहना चाहते हैं आई लगा करके, तो आप ऐसे बोल सकते हैं नॉट टू मच, नथिंग स्पेशल। व्हाट्स न्यू, जब इस तरह का सेंटेंस बोला जाए तो आपको ये समझना है व्हाट्स न्यू इन योर लाइफ, आपकी ज़िंदगी में नया क्या है। तो आप बोल सकते हैं नॉट मच या नथिंग स्पेशल, या फिर आई एम टेकिंग ए वेकेशन सून, मैं जल्दी छुट्टी ले रहा हूँ। इसके अलावा आप जो भी करने वाले हैं तो उसके जगह में आप बोल सकते हैं, आप अपने नॉटी फ्रेंड के साथ इस तरह का सेंटेंस बोल सकते हैं हाउस ट्रिक्स, इसके रिप्लाई नॉट सो ग्रेट। इनफॉर्मल में ये सेंटेंस भी बोला जाता है ऑल राइट, यानी आप किसी को डायरेक्ट इस तरह से भी बोल सकते हैं सब बढ़िया, तो बोलते हैं या। तो अब तक हम लोग ने क्या देखा, फॉर्मल वेज और इनफॉर्मल वेज, जैसा कि आपको लिस्टिंग किया गया है, आप इनमें से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय। हाँ, अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।